दादा से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखकर सड़क के किनारे शुरू किया स्टार्टअप और आज मिट्टी वाला नाम से कर रहे हैं लाखों की कमाई। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल प्रजापत है और मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करता हूँ। जोधपुर राजस्थान के रहने वाले 22 साल के गोपाल ने 1400 रुपए निवेश कर एक टेबल पर मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू किया था ताकि अपने पुश्तैनी काम और कला को बरकरार रख सके। जब मैंने गाँव में देखा मेरे दादाजी इस काम को व्हील पर कर रहे थे और देखा ये कला विलुप्त हो रही थी, दादाजी के बाद में करने वाला कोई नहीं था, तो दादा से ये कला मैंने सीखी और साथ में अभी जोधपुर में और जोधपुर से बाहर पूरे इंडिया में मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ। गोपाल ने अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया के जरिए बेचने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में एक आर्टिस्ट के तौर पर खुद को रजिस्टर भी करवाया। आज वो निफ्ट जैसे देश के बड़े संस्थानों में पढ़ रहे युवाओं को मिट्टी की कला सिखा रहे हैं। आज साथ में हमारे 27-28 आर्टिजन हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। मिट्टी वाला के बनाए मिनिएचर किचन प्रोडक्ट्स सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। गोपाल के इस इको फ्रेंडली स्टार्टअप के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप उन्हें इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। सस्टेनेबल बिजनेस से जुड़ी और कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।